नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफी अच्छे हैं और आप लोग काफी स्वस्थ भी हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमेशा से ही मेरे आपके सपनों के बीच हमेशा से आता रहा है, आता रहेगा। ये कौन है जो हमारे और आपके सपनों के बीच हमेशा से आता रहा है, कौन है वो? वो और कोई नहीं, डर है, फियर। हो फियर ने तो सालों साल तक कितनों का जो बैंड बजाया है, बजाता रहा है और बजाता रहेगा। फियर जो है असली में आता कहाँ से है? कभी कभार जब होता है, हम लोग एग्जाम्स देते हैं, क्वालिफाई कर नहीं पाते, अगली बार दूसरे अटेम्प्ट तीसरे अटेम्प्ट में है ना, हम लोग का हिम्मत है ना जवाब दे जाता है, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, खुद के ऊपर एक डर आ जाता है यार मेरे से होगा नहीं, इस तरह का फियर। इससे क्या होता है, हम अपने सपनों की ओर हम लोग पहुंच नहीं पाते, वो जो फिनिश लाइन है ना वो हम पार कर नहीं पाते, ऐसा डर रहता है। फिर दूसरा रहता है अपने घर से भी डर का वो डाउट मार्क आ जाता है कि बेटा तेरे से होगा, कर पाएगा नहीं, उसमें भी एक फियर रहता है होगा कि नहीं। इसके बाद ओहो सोसाइटी आता है। सोसाइटी तो सालों साल, ये आज की बात नहीं, सोसाइटी भी डर दिखाता है, बेटा क्या तेरे से होगा, तू कर पाएगा, तेरे से ना नहीं होगा रे, तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, इस तरह के डर तो वो दिखाते आ रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर इस तरह के दोस्त अगर मिल गए, किस तरह के, अगर चिरकुट दोस्त अगर मिल गए, वो बोलेंगे यार छोड़ ना, और कितना देगा, तेरे से होगा नहीं, छोड़, अभी बाप का दुकान है, बाप का बिजनेस है, बैठ जाओ उसमें। यही अगर चिरकुट दोस्त मिल गए तो ऐसा बोलेंगे। तो फियर ने बहुतों का सपनों का बैंड बजाया है, बहुतों का बैंड बजाया है और बहुतों का बैंड बजाएगा। इससे अगर निकलना है, काफी लोग जो है ना क्या होता है, फियर के कारण है ना अपने सपनों को फुलफिल कर नहीं पाते, वही पर रह जाते। उनको लगता है कि समाज क्या बोलेगा अगर मैं ये कर लूं, मतलब बहुत सारे लोग हैं समाज के कारण, पीयर प्रेशर रहता है, घर वालों का प्रेशर, खुद के ऊपर डाउट, ये फियर के कारण क्या होता है पता है, वो अपने जो ड्रीम से फुलफिल कर नहीं पाते इसी डर के कारण, डर डर के कारण। तो मैं आपको बस यही बोलूंगा, डर मुझे भी लगता है, हाँ डर मुझे भी लगता है, क्या मैं अपना जो एक सपना है, गोल लेके जो मैं चल रहा हूं, कर पाऊंगा या नहीं, डर रहता है। जैसे आप लोगों को भी डर रहता है, मुझे भी डर रहता है, पर इससे बड़ा, इससे भी ज्यादा बड़ा डर क्या है पता है, डर है कि वहां पर रह जाना और अपने सपनों को मरते हुए देखना, ये सबसे बड़ा डर मुझे लगता है हमेशा से। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने आंखों के सामने अपने सपनों को मरते हुए देखूं। तो आप लोगों को बस यही बोलूंगा कि डर से मत डरिए, डर से जीतिए, डर के आगे बढ़िए, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। आप अपने सपनों के पीछे भागिए, सपनों के पीछे भागेंगे तो देखोगे कि फिनिश लाइन के पार जो आप जो वो जो सक्सेस जो आपको मिला है ना, मतलब बोल के फायदा नहीं है। तो इसलिए सपनों के पीछे भागो, बाद में ऐसा पता ना चले कि जब बुढ़े हो जाओ, 50-60 साल के हो जाओ, फिर रिग्रेट करते रहो, भाई मैंने क्या कर दिया, काश अगर उस दिन में अगर कुछ स्टेप्स ले पाता। तो इसलिए रिग्रेट ना हो, लोगों का बात मत सुनो, सोसाइटी वगैरह वगैरह जो नेगेटिव फैलाते हैं उनके बात मत सुनो, अपना दिल का सुनो और आगे बढ़ो। बस आप लोगों से यही कहना है कि डर के आगे जीत है।